गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडीज ऑफ मैथ्स डिवाइन क्लास थर्ड. टुडे इज़ योर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3. ओके, एडिशन 4.3 में आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है. ऐड द फॉलोइंग फोर डिजिट नंबर्स, यानी आपको यहाँ फोर डिजिट नंबर ये ऐड करने हैं. ओके, फोर डिजिट्स में यानी थाउजेंड नंबर्स, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. फोर डिजिट नंबर कौन से होते हैं? थाउजेंड वाले होते हैं. सो आपने यहाँ क्या प्लस करना है? 5766. और सेकंड नंबर है आपका 3482. इन्हें आपको प्लस करना है. तो किस तरह प्लस करते हैं? इस तरह से पहले कॉलम्स में अरेंज करते हैं. ठीक है, अब हम एडिशन करना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप जानते हैं, क्या प्लस करना है हमें? वंस. पहले वंस प्लस करने हैं. इट मीन्स 6 + 2. 6 + 2 इज 8. सो आपने यहाँ लिखना है 8. ओके, देन टेंस प्लेस पर डिजिट्स हैं 6 और 8. तो आपको टेंस प्लस करने हैं. टेंस कितने हैं? 6 × 8 = 14. कितने होते हैं? 14. अब देखिए, हम यहाँ कंप्लीट 14 नहीं लिखेंगे. ठीक है, ओनली 4 लिखेंगे. और जो 1 होता है 14 का, इस तरह से 14 लिखा जाता है ना, हम ओनली वंस प्लेस पर. ये जो फर्स्ट नंबर है 4, ये हमें सिर्फ यहाँ पे करना हो, ये 1 जो है ये हम कर देंगे कैरी नेक्स्ट, यानी कि 100 पर. ठीक है, 100 पर हमने 1 कैरी किया. ओके, अब देखिए, आप 100 प्लेस पर 3 डिजिट्स हो गए. कौन कौन से? 1, 7 और 4. ओके, 1, 7 और 4 आप प्लस करेंगे तो कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं. 12 के लिए आपको यहाँ लिखना है 2 और 1000 पर कैरी. ओके, अब 1000 प्लेस पर है 5, 3 और 1, इन्हें प्लस करते हैं. सो आ जाता है 9. इट मीन्स आंसर कितना हुआ आपका? 9248. ओके, सेम यहाँ देखिए, आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं. सो आपने वंस में 4, 5 और 3 प्लस करने हैं. ठीक है, 4, 5 और 3 प्लस करते हैं तो 12 होते हैं. 12 के लिए आपको यहाँ कितना लिखना है? ओनली 2. 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैरी, है ना. इसी तरह से फिर आपको ये आगे कंटिन्यू करके प्लस करना है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको वर्क खुद करना है, क्लास वर्क. नेक्स्ट आते हैं आपके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम. फाइंड द सम, अब इन्हें आपको देखिए कॉलम्स में लिखना है. ओके, क्या करना है आपको? इन्हें पहले इस तरह से कॉलम्स में अरेंज करना है, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड लिखकर, और फिर इन्हें प्लस करना है. ये आपका कॉपी वर्क है. इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 3, रीग्रुप द नंबर्स एंड राइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको नंबर्स को रीग्रुप करना है. देखिए यहाँ मैंने इस तरह से ये नोट कर दिया है. इस तरह से करना है. रीग्रुप करने के बाद उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो आइए इसे ठीक से समझ लेते हैं, आप किस तरह से करेंगे. देखिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया था? 5, 10, 15, 1, इन्हें आपको रीग्रुप करना है. तो आपको किस तरह रीग्रुप करना है? देखिए, 5, 10 तो आपके पास ऑलरेडी थे. यहाँ है 15 में 5 हुआ वंस, टेंस, इस तरह काउंट करते हैं ना, टू डिजिट नंबर, वंस एंड टेंस. तो टेंस है जब आपके पास 1 टेंस में है, तो आपने इसलिए इसे रीग्रुप करके 5, 10 और 1, 10 प्लस कर लिया. कितने हो गए आपके पास? 6 टेंस. ठीक है, 15 में से हमने 1 जो है वो टेंस पे ले लिया, तो यहाँ वंस के पास कितने रहेगा? ओनली 5. तो यहाँ लिखा है 5 वंस. ठीक है, 6 टेंस किस तरह से हमने किया? 5 टेंस और 1 टेन प्लस 5 वंस. ठीक है, यानी कि 5 और 1 आपके पास हो गए 6 टेंस. वो हमने यहाँ पे लिख लिया है 6 टेंस और 5 वंस के सेकेंड स्टेप में. ठीक, 6 टेंस मीन्स होता है 60, होते हैं ना 6 टेंस मीन्स 60, एंड 5 वंस यानी कि 5 प्लस 5 इज इक्वल 65. ओके, सी 355 वंस, 355 वंस. तो 300 तो आपके यहाँ है. ठीक है, 55 वंस हैं आपके पास. कितने हैं? 55 वंस. इसमें वंस में सिर्फ कितना है? 5. ओनली 5 जो है वो वंस में है, और ये 5 है टेंस पर. ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 55 में वंस एंड टेंस, तो 5 किस में है? टेंस में. सो हमने यहाँ 5 टेंस अलग कर लिया और 5 वंस अलग कर लिया है. ओके, 300, 5 टेंस मीन्स 50 एंड 5 मीन्स 5, 355. ओके, इस तरह से आपको इन्हें रिग्रुप कर फिर इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. थर्ड क्वेश्चन भी आपको कॉपी पर करना है. ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड आपको कॉपी पर करना है अपनी नोटबुक पर, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी बुक पर ही करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे.